गुरु जी आपसे बहुत प्यार करते हैं। गुरु जी आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, गुरु जी आई लव यू। प्रेम करना बुरी बात है, कई लोग बागेश्वर बाबा से आप प्यार करते हैं। हाँ जी प्यार करते हैं। क्या बोले सर, जब किसी से प्रेम होगा तबे तो कोई टाइट बनाएगा। कुछ लोग बागेश्वर बाबा को डोगी बाबा बोलते हैं। अरे बोलने वाला बागेश्वर बाबा जो पर्चा मतलब में लिखते हैं वो सही रहता है या गलत रहता है? नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य सीरीज। अभी हमारे साथ वायरल टैटू गर्ल जो कि बागेश्वर बाबा का टैटू लगाकर इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिनका नाम रेणु कुमारी है। तो अच्छा ये बताइए, आप बागेश्वर बाबा का टैटू क्यों बनवाए हैं? क्योंकि हम इनसे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, वो हमें बहुत ज्यादा हद से ज्यादा। मतलब बागेश्वर बाबा से आप प्यार करते हैं? हाँ जी प्यार करते हैं। कब से प्यार करते हैं? कब से अथी हो गया, 7-8 महीना, 9 महीना। 7-8 महीने से प्यार करते हैं। क्योंकि वीडियो इनका हम देखते हैं, मतलब साल भर से ज्यादा हो गया। अब प्यार हुआ 6 महीना में, 6 महीना के अंदर में 2-3 महीना टैटू बनेला हो गया, तो 7-8 महीना हो गया, प्यार में बहुत ज्यादा लगाव हो गया है। प्यार होने से पहले टैटू बनाया है कि बाद में टैटू बनवाया? प्यार होने के बाद बनाए हैं। प्यार होने के बाद? जब किसी से प्रेम होगा तबे तो कोई टैटू बनाएगा, चाहे कुछ भी बातचीत हर चीज करेगा जी। मतलब बागेश्वर बाबा कहाँ और आप कहाँ, मतलब लगता है कि आप दोनों का मिलन होगा? अरे मिलन होए या ना होए, कहत में ना कि प्यार एक पाना जरूरी नहीं होता, प्यार त्यागना भी चाहिए, तो हम त्याग के प्यार करेंगे जी महाराज। तो बागेश्वर बाबा से मिले है कि नहीं? हाँ गए थे मिलने के लिए, मिलने के लिए गए हैं, जो पर्सनल बात करने वाला थे तो बात नहीं हो पाया है, लेकिन इतनी दूरी में मिले हैं। वो भी हमको देख के हंसे हैं, हम भी उनको देख के हंसे हैं। तब तो प्यार सच्चा हो गया होगा, मतलब हंसी तो आप लोग का आदेश रहे कि प्यार सच्चा हो जाए। प्यार मेरा खराब नहीं है महाराज, प्यार करते एक गुरु के नाते, लोग प्यार के लोग गंदे बना दिया। प्यार मतलब गुरु के नाते प्रेम करते हैं, तब कहाँ हम कहाँ वो कहाँ है, कभी सोचे हैं ये सब? सोच भी नहीं किए हैं शादी करने के लिए चाहे लवर बनाने के, गुरु के नाते, क्योंकि प्यार हर कोई आदमी कर रहा है, तबे बाबा आते हैं तो इतना भीड़ लगता है। बहुत लोग ऐसा कंट्रोवर्सी कर रहे हैं कि मतलब शादी करना चाहते हैं उनसे, वो भी सिंगल है इसलिए। पता नहीं, हाँ लोग कर रहा है, बहुत ज्यादा लोग कर रहा है, लेकिन हमको ये कहना है कि बिहार में कंपनी नहीं है तो कंपनी के लिए कोई नहीं लड़ता है। और कोई सोचता है ना कि मतलब कि एक धर्म के रास्ता पे चले, तो उसको धर्म के रास्ता पे चलने नहीं दे रहा है, अपने जैसा उसको सोच रहा है ना कि जैसे हम गलत है ना वैसा ही ये भी गलत बन जाए। तो भाई कितनों कोई कहेगा ना हमको गलत लाइन पे उतारने के लिए, कभी नहीं, दो रोटी कम खाएंगे, लेकिन मेहनत करके, मेहनत करने वाला हम लड़की शुरू से। कुछ लोग बागेश्वर बाबा को डोगी बाबा बोलते हैं। अरे बोलने वाला के बोलने दीजिए ना महाराज। हाँ बहुत लोग बोला है कि जे बाबा आसाराम बन जाएंगे तो कोई और कौन कौन बाबा तो है, सबका एक में नहीं मिला सकते हैं सर जी, इतना हम जानते, सब एक लड़का 35 टुकड़ा में काट दिया है तो सब लड़का 35 टुकड़ा में काटिए देगा तो भाई घर परिवार चलेगा कैसे? विश्वास करना चाहिए, जब ये बाबा का पोल खुलेगा तब बोलना, लेकिन हमको नहीं लगता कि बाबा का पोल खुला, क्योंकि बाबा एक धर्म के रास्ता पे चल रहे हैं, वो क्या बोलता है हिंदू राष्ट्र अथी के जगा रहे हैं, सनातन धर्म को वो जगा रहे हैं कि जागो आप लोग, लड़ो कि हाँ हम लोग हिंदू हैं, हम लोग सनातन है, इसके लिए बाबा करते हैं। बागेश्वर बाबा जो पर्चा मतलब में लिखते हैं वो सही रहता है या गलत रहता है? सही रहता है जी, किसी का कोई बताता नहीं है, उसका मन के बात वो बता देते हैं, तो वो सही नहीं है तो खराती है, फेकू है, नहीं लगता कि फेकू है। क्या है कि हम गए हैं वहां पे तो एकदम इतना सुंदर सुंदर लड़की चाहे जेंट्स एकदम टकटकी लगे, वो हमें बारिश में 4-5 घंटा सब बारिश में भींग रहा है, बाबा अब निकले, बाबा अब निकले, एकदम सुंदर सुंदर स्मार्ट स्मार्ट, लेकिन बाबा के जब मतलब टाइम टेबल से वो निकलते हैं, जब तक वो नहीं निकले ना, जब तक लोग पानी में भींगते रहा है, अगर बाबा फेकू रहते ना तो आज इतना भीड़ नहीं लगता, आज लंदन पूरा हिला रहे हैं, कहां कहां बंबई में भी गए हैं, लड़का वो फेकू नहीं है, सब बोलता है कि धीरे नाम धर धर के बोलता है। बागेश्वर बाबा के सुने हैं कि जो अर्जी मतलब दिल से लगाता है वो उसका बात सुन लेते हैं और उसको अपने मतलब कथा में धाम में बुलाते हैं। हाँ, बुलाते आप दिल से लगाए कि नहीं? हम दिल से, मेरा अर्जी भी लग चुका है बाबा। हाँ बाबा बोलते, हम वहाँ गए थे ना तो हम बांध के नारियर आ गए हैं, तो हम बंबई में चल गए थे, तो बंबई में वो गुरु जी बोलते हैं कि दो बार बंदर सपना में आ जाएगा ना, समझे कि अर्जी लगल है, तो मेरा दो बार बंदर आ चुका है बंबई में गए थे, लेकिन हम अकेले गुण हम नहीं जा रहे हैं, हम अकेला हैं कैसे जाएंगे, इसलिए नहीं जा रहे हैं। घर पे अभी आपके कौन कौन है? मेरा घर पे मम्मी पापा भाई बहन भौजाई सब है, सब पूरा फैमिली है। हाँ लेकिन फैमिली मेरा ये सब लाइन में है ये नहीं है, सिर्फ एक हम है,
पूरा मेरा परिवार तो खानदान इतना है ना महाराज की कुछ कहे ना, लेकिन सोशल मीडिया पर इतना कंट्रोवर्सी आपके साथ होता है तो फैमिली देखकर इसके बारे में कुछ बोलता है कि नहीं? क्या बोलती है? मम्मी मेरी बोल रही है इंटरव्यू छोड़ दो, काम छोड़ दो ये सब से। लेकिन हम कहते हैं ना कि लोग तो आगे बढ़ता है तो उसको आदमी के अथी होबे करता, टोल करबे करता है। आज नाम है तबे ना बदनाम है। अपना मम्मी का समझाए हैं तो कुछ दिन के लिए बम्बई चल गए थे तो फिर मम्मी हमार बड़ी घिघियाने लगे कि बेटा आ जाओ, जे उधर कुछ हो जाएगा तो फिर कौन देखभाल करेगा, तो फिर हम चल आए हैं। अभी क्या करते हैं आप? अभी हम शूटिंग करते हैं, एल्बम करते हैं, कॉमेडी करते हैं, दो चार फिल्म में काम भी किए हैं। यूट्यूब चैनल भी है? हाँ, यूट्यूब चैनल है अथी मेरा रेनू रंजना यूट्यूब चैनल है, ब्लॉग और फेसबुक मेरा रेनू कुमारी से है, उसमें 40,000 फॉलोवर है और मोनेटाइज भी होल है। बागेश्वर बाबा मतलब कुमारी कन्या को शादी कराते हैं कभी 108 कभी 200 मतलब एक ऐसे करके, अगर वो चाहेंगे कि आपका वही में आपका किसी और से शादी कराएंगे तो करिएगा? आराम से आराम से आराम से आराम से एकदम खुश होके करेंगे, कम से कम मेरा भाई बन के कन्यादान कर दें। जी तो वहाँ पर पापा मम्मी ना रहेंगे तो? मम्मी पापा नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा, मम्मी पापा मेरा मान जाएंगे। बागेश्वर बाबा से प्यार करते हैं, वो किसी और को आपको दे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कभी नहीं उनको स्वार्थी हैं जी। वो भले गुरु जी किसी का हाथ धरा दे तो धर लेंगे, ऐसा बात नहीं है, वो धर लेंगे हम। वो तो वीडियो में सबको बहन ही कहते हैं हमको पता है, हम खुद शुरू से हम वीडियो में बोलते हैं। कुछ लोग के वजह से टॉर्चर इतना लोग कर दिया था ना तो हम खीस में आके बोल दिया कि हाँ शादी करना चाहते हैं, लेकिन कभी नहीं गुरु जी कभी नहीं, आपके पास आएंगे तो बहुत ज्यादा सॉरी बोलेंगे, बहुत ज्यादा आप हमको मारबो करिएगा ना, फिर भी हम सहेंगे क्योंकि हम आपको मतलब ऐसे ऐसे बोल दिए ना इसी वजह से हम सहेंगे, ठीक है। लेकिन हम तो आपसे प्रेम करते हैं, कुछ लोग तो आपको इतना विरोध करता है, कम से कम हम विरोध नहीं ना कर रहे, हम तो प्रेम कर रहे हैं। आप प्रेम के नाता एक मीरा बाई की तरह है गुरु जी, कभी नहीं हम स्वार्थी हैं हम। लास्ट में बागेश्वर बाबा को क्या कहना चाहते हैं? बागेश्वर बाबा से यही कहना चाहते हैं कि गुरु जी आप हमको मतलब कि आपके पास जब हम आएंगे ना तो हम आपसे सॉरी सॉरी मतलब कि बहुत ज्यादा सॉरी मांगेंगे, बहुत ज्यादा सॉरी बोलेंगे, आपका पैरवा पे गिर जाएंगे। गुरु जी मैं गलत नहीं हूँ, आपको पता खुद है, आप तो खुद दूसरा के अर्जी निकालते हैं, मेरा अर्जी आप खुद निकालिएगा कि हम क्या है क्या नहीं है, आपको पता है मैं कभी नहीं मतलब कि गलत नेचर से आपको हम देखे हैं, ठीक है ना। आप एक एकदम इतना अच्छा बोलते हैं ना, एक रो रो के भी वो समझाते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। गुरु जी खुद बोलते हैं कि मतलब कि हिंदू धर्म में जागो, अगर कोई हिंदू का टोल कर रहा है तो उसको लिए आप लोग उठो बोलो कि हम लोग सनातन है, हम लोग हिंदू है, हिंदू के लिए कोई आवाज मत उठावो, एकदम मतलब कि आवाज उठावो कि कोई गलत बनाए तो, इसके लिए मतलब रो रो के वो वीडियो बनाते हैं, बहुत वीडियो अपलोड भी किए हैं, अच्छा लगता है। गुरु जी आप सच्चा है, आप सच्चाई पे चल रहे हैं, आज वही सच्चाई पे हम भी चलना चाहते हैं, कभी नहीं हम ऐसा नहीं है प्यार किए हैं, ऐसा नहीं है कि हम प्यार नहीं किए, हम एकदम मतलब कि एकदम मतलब अथी है दूध के धोबल है, नहीं आपको पता खुद है, ठीक ना। आपके पास हम आएंगे ना तो पूरा अपना बायोडाटा बताएंगे कि हम क्या हैं क्या नहीं है, उनको तो सब पता होगा, आपको भी खुद ही पता है, लेकिन हम अपना मुंह से भी बताएंगे तब आपको और यकीन हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं हमारे साथ रेनू जी थे जो कि बागेश्वर बाबा से वन साइड लव करती हैं और इन दिनों उनका टैटू बनाकर सोशल मीडिया में छाई हुई है। आपको इनका मतलब विचार कैसा लगा बागेश्वर बाबा के तरफ से नीचे कमेंट करके बताइए, और आज के वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो थैंक यू रेनू जी। थैंक यू।